पीएम नरेंद्र मोदी ने छपरा में कहा कि बिहार में 8 नवंबर को दिवाली मनेगी। छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि बिहार में 8 नवंबर को दिवाली कैसी होगी। पीएम ने कहा कि ये चुनाव बिहार की नहीं हिंदुस्तान के लिए संकल्प लेकर आएगा। मेहनतकश लोगों से भरे हुए बिहार के लोगों को उन्होंने प्रणाम कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के लिए कई रैलियों को संबोधित किया और अगले 6 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 रैलियों को संबोधित करेंगे। अभी तक मोदी की रैलियां जिला मुख्यालय में ही कराई जा रही थी, लेकिन अब ब्लॉक स्तर पर भी कराई जा रही हैं। जाहिर है बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। लिहाजा चुनाव जीतना पार्टी के लिए अब साख का सवाल बन चुका है। बिहार ही नहीं, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के लिए दो दो दिवाली लेकर के आया, दो दो दिवाली लेकर के और एक छोटी सी दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। एक छोटी सी दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए और वहां तो 90% माइनॉरिटी है। 90% जहां 90% माइनॉरिटी है, उस लेह लद्दाख के अंदर वहां के लोगों ने एक छोटी दिवाली मनाई। उस चुनाव में बाकी सबको साफ कर दिया, अकेले भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दिया, अभूतपूर्व विजय दिया। पिछले चुनाव में लेह लद्दाख में कांग्रेस पार्टी 22 सदस्यों के साथ राज करती थी, वहां की जनता ने साफ कर दिया, 5 पे आ गए, 5 पे। और भाइयों बहनों, हम जानते हैं जब हिमालय में बर्फ गिरती है तो बिहार में ठंड शुरू हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? हवा वहां से यहां आती है कि नहीं आती है? तो ये लद्दाख की हवा भी बिहार के अंदर दिवाली का माहौल बनाने के लिए तैयार बैठी है। मेरे भाई, दो राउंड के बीच में इतने त्योहार थे कि तीसरा राउंड बड़ी देर से आया, लेकिन देर से भले आया, मैं फिर से आपके पास आ गया। और जब आप इतना प्यार देते हैं तो बार बार आने का मन करेगा कि नहीं करेगा? भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का तो हमारा विजय होना ही होना है, एनडीए का विजय होना ही होना है, लेकिन चुनाव का जीत का परिणाम तो 8 को आएगा। आपने मुझे जीत लिया है, आपने मुझे अपना बना लिया है, और ये आपने मुझे जो प्यार दिया है, उस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा।